अपडेट्स, काउंसलिंग, टीचिंग यहाँ मिलेगा सब. स्टूडेंट्स जस्ट प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब महामना एजुकेशन हब. अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार. मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं. तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स के रैंक, अगर हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं तो उसके अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों आते हैं. इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल जाएगा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, एक्सक्लूसिवली डिफेंस के एग्जामिनेशन जो कि ऑफिसर के लिए एफकेट के होते हैं, सीडीएस के होते हैं, इन सब में आपको मिल जाएगा. उसके साथ साथ अगर इसकी नॉलेज होती है तो बहुत सारे आपको एनालॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में वो भी पूछे जाते हैं. इतना ही नहीं बल्कि किसी भी अलग दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जेएनयू का, जामिया मिलिया का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, या फिर उसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान के अंदर जिसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और वैसे भी नॉलेज पर्पज से ये हमें जानना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में टोटल ऑफिसर्स के जो रैंक्स होते हैं वो टोटल 9 रैंक्स होते हैं. 21, 22, 23, 24 साल की उम्र में एक इंसान हार्ड या टफ ट्रेनिंग करने के बाद में कमीशन होता है फर्स्ट क्लास ऑफिसर के रूप में. और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी तीनों के इक्विवेलेंट रैंक्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट रैंक्स जो होते हैं ना वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत जगह पूछे जाते हैं और वैसे भी आपको जानना चाहिए फॉर जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस. तो चलिए हम शुरू करते हैं. इधर सबसे पहले वाले कॉलम में हम इंडियन आर्मी का रैंक लिखेंगे, दूसरे वाले में इंडियन नेवी का लिखेंगे, तीसरे वाले में इंडियन एयरफोर्स का रैंक लिखेंगे, दैट टू ऑफ ऑफिसर. ऑलराइट, तो सबसे पहले कमीशन होते ही सबसे पहला जो ऑफिसर बनता है उसकी रैंक होती है ल्यूटिनेंट की, आर्मी में ल्यूटिनेंट की. वैसे आम बोलचाल की भाषा में लेफ्टिनेंट भी कह देते हैं इसे, बट ल्यूटिनेंट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. इसकी स्पेलिंग भी आप जान लीजिएगा क्योंकि बहुत जगह आप मिस कर जाते हैं. तो इसको स्पेलिंग याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले लिखिए लाई, एल आई ई, लाई, इसके बाद लिखिए उटेन, यू टी ई एन, लाई उटेन एंट, ए एन टी एंट, तो ल्यूटिनेंट हो गया. ऑलराइट, सबसे पहला रैंक होता है आर्मी के ऑफिसर का ल्यूटिनेंट. इंडियन नेवी में यही रैंक सबसे पहला जो होता है वो होता है सब लेफ्टिनेंट का, सब ल्यूटिनेंट. ओके, सब ल्यूटिनेंट का होता है रैंक यही इंडियन नेवी के अंदर. और इंडियन एयरफोर्स में यही रैंक जो सबसे पहला ऑफिसर होता है कमीशन, उसका रैंक का नाम है फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर. ऑलराइट, फ्लाइंग ऑफिसर फाइटर पायलट भी हो सकता है या नॉर्मल ग्राउंड ड्यूटी पर, लॉजिस्टिक पे, या फिर उसके अलावा मैनेजमेंट में, या फिर और भी कई सारे ब्रांचेज होते हैं जिसके अंदर ये फ्लाइंग ऑफिसर कर सकता है. सब ल्यूटिनेंट भी उसी तरीके से है इंडियन नेवी में, और इंडियन आर्मी के अंदर ल्यूटिनेंट सबसे पहला रैंक है. आगे बढ़ते हैं दूसरे रैंक की तरफ. दूसरा रैंक है इंडियन आर्मी के अंदर जिसका नाम है कैप्टन, कैप्टन. ऑलराइट, दूसरा रैंक इंडियन आर्मी का क्या है? कैप्टन. इसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना, उसको दो बार तीन बार अगर आप लिख लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी आप भूल ही नहीं सकते. ऑलराइट, तो यहां होता है कैप्टन, और यहां इंडियन नेवी के अंदर जो दूसरा रैंक होता है वो होता है ल्यूटिनेंट, ल्यूटिनेंट. ऑलराइट, मतलब कैप्टन इंडियन आर्मी में इंडियन नेवी के इक्विवेलेंट जो रैंक होती है वो होती है ल्यूटिनेंट, और इंडियन एयरफोर्स में इसकी रैंकिंग होती है फ्लाइट ल्यूटिनेंट, फ्लाइट ल्यूटिनेंट. ऑलराइट, इंडियन एयरफोर्स में कैप्टन के इक्विवेलेंट रैंक फ्लाइट ल्यूटिनेंट, वही इंडियन नेवी में ल्यूटिनेंट होता है. अब तीसरे रैंक की तरफ चलते हैं. तीसरा रैंक जो इंडियन आर्मी में होता है उसका नाम है मेजर, मेजर, एम ए जे ओ आर, मेजर. ये बहुत चर्चित रैंक है इनफैक्ट मेजर, और जो इंडियन नेवी में इसके बराबर रैंक होती है वो होती है आपकी ल्यूटिनेंट कमांडर, ल्यूटिनेंट कमांडर. इंडियन नेवी में मेजर की इक्विवेलेंट रैंक होती है
लेफ्टिनेंट कमांडर, वहीं इंडियन एयरफोर्स में इसकी जो इक्विवेलेंट रैंक होती है उसको कहते हैं स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा का नाम सुना होगा, ऑलराइट। तो वो स्क्वाड्रन लीडर जो रैंक होती है वो होती है मेजर के इक्विवेलेंट, स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर, ऑलराइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंडियन आर्मी में जो चौथा रैंक होता है ऑफिसर का वो होता है लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल इसे शॉर्टकट में LT.col लिख देते हैं, COL, बट इसका पूरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल। कर्नल की स्पेलिंग होती है COLONEL, कॉलोनल, राइट, बट इसको प्रोनाउंस करते हैं कर्नल ही। तो लेफ्टिनेंट कर्नल है ये फोर्थ रैंक, और इसके इक्विवेलेंट में इंडियन नेवी में जो रैंक होती है वो होती है कमांडर, कमांडर, ऑलराइट। और इधर इंडियन एयरफोर्स में जो चौथी रैंक होती है वो होती है विंग कमांडर, विंग कमांडर, विंग कमांडर। जैसे अभी फरवरी के महीने में बहुत ज्यादा चर्चित हुए थे विंग कमांडर अभिनंदन, जिन्होंने F-16 को MiG-21 बाइसन से मार गिराया था, तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे इनफैक्ट, और बहुत ही मतलब अद्भुत बहादुरी का परिचय दिया था उन्होंने। तो उनका नाम था विंग कमांडर, वो इसी रैंक के थे, उनका इक्विवेलेंट लेफ्टिनेंट कर्नल होता है इंडियन आर्मी में, और इंडियन नेवी में कमांडर उनके इक्विवेलेंट रैंक का होता है। पांचवा जो रैंक है ये है कर्नल, और ये सबसे ज्यादा फेमस रैंक है, इनफैक्ट हर कोई जानता है, इसकी स्पेलिंग है COLONEL, ऑलराइट, कर्नल। और वही इंडियन नेवी में इसके जो इक्विवेलेंट रैंक है उसको कहते हैं आप कैप्टन, इट इज कॉल्ड कैप्टन। इंडियन नेवी में कर्नल के रैंक के इक्विवेलेंट कैप्टन कहलाता है, वही इंडियन एयरफोर्स में कहलाता है ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन। और ये रैंक जो है हमारे मास्टर ब्लास्टर मिस्टर सचिन तेंदुलकर को मिली हुई है, ऑलराइट, उनको मिली हुई है। वो देखिए वो सर्विंग तो नहीं है लेकिन उनको एक उपाधि के तरह से दी गई है, ऑलराइट, तो इसको कह देते हैं ऑनररी बोलते हैं उनको, ऑनररी ग्रुप कैप्टन है सचिन तेंदुलकर। कर्नल के इक्विवेलेंट इंडियन नेवी में कैप्टन होता है, और ग्रुप कैप्टन होता है आपका इंडियन एयरफोर्स में। अब जो सिक्स रैंकिंग होती है वो होती है इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर की, ब्रिगेडियर नाम ही बहुत भयंकर है, ब्रिगेडियर बहुत ही अच्छा सा लगता है सुनने में, ब्रिगेडियर, ऑलराइट। तो सिक्स रैंक इज ब्रिगेडियर, और इंडियन नेवी में यहां पे जो रैंकिंग होती है इसको बोलते हैं कोमोडोर, कोमोडोर, ऑलराइट। इंडियन नेवी में इसके इक्विवेलेंट रैंक को बोलते हैं आप कोमोडोर, ऑलराइट। इंडियन एयरफोर्स में जो इनके इक्विवेलेंट होते हैं ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट उनको बोलते हैं आप एयर कोमोडोर, एयर कोमोडोर, एयर कोमोडोर। मतलब एयर कोमोडोर इंडियन एयरफोर्स में ब्रिगेडियर के बराबर होते हैं और कमांडर के बराबर होते हैं इंडियन नेवी में। सेवेंथ जो रैंक है इंडियन आर्मी में उसको बोलते हैं आप मेजर जनरल, मेजर जनरल, मेजर जनरल, मेजर जनरल, ऑलराइट। और इसमें बोलते हैं आप इंडियन नेवी में रियर एडमिरल, व्हाट इट इज कॉल्ड रियर एडमिरल, रियर एडमिरल इन इंडियन नेवी इज इक्विवेलेंट टू मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी, एंड हियर इट इज कॉल्ड एवीएम, दैट इज एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल इज इक्विवेलेंट टू मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी एंड रियर एडमिरल टू इंडियन नेवी। देन एट्थ रैंक इज लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल ओवर हियर, और यहां पे होता है आपका वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल, ऑलराइट। और यहां पे होता है आपका एयर वाइस मार्शल है, ये एयर मार्शल होता है, एयर मार्शल। तो एयर मार्शल इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट जनरल इन इंडियन आर्मी एंड वाइस एडमिरल टू इंडियन नेवी, क्लियर। देन नाइन्थ रैंक इज, नाइन्थ एंड लास्ट रैंक इज
which is called General and that is Chief of Army Staff. जैसे General बिपिन रावत जी हैं अभी, तो it is General, General, all right? और Indian Navy में जो rank होती है उसको बोलते हैं Admiral. Admiral जो कि अभी Admiral करमवीर सिंह is the Chief of Naval Staff, Indian Navy. और इसमें होता है एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल. एयर चीफ मार्शल कौन है अभी? राकेश सिंह भदौरिया. राकेश सिंह भदौरिया अभी अभी वो बने हैं, लगभग एक महीना भी नहीं हुआ है उनका. तो एयर चीफ मार्शल इज राकेश सिंह भदौरिया. इसके पहले एयर चीफ मार्शल कौन थे? बीएस धनोआ, बीरेंद्र सिंह धनोआ थे. एडमिरल इज द हाइएस्ट रैंक इन इंडियन नेवी और जनरल इज द हाइएस्ट रैंक इन इंडियन आर्मी. ऑलराइट, अब देखिए इंडियन एयरफोर्स में इससे ऊपर पांच स्टार आज तक सिर्फ श्री अर्जन सिंह को मिला है. ऑलराइट, और ये जो है जनरल मानेक शॉ को मिला है इंडियन आर्मी के अंदर. इंडियन आर्मी में पांच स्टार मिला है, मतलब कि जनरल से एक रैंक ऊपर बढ़ा के. वो ऐसे जनरली रैंक होती नहीं है, बट कुछ बहुत बड़ा काम करने पे उनको उपाधि दी जाती है जिस तरीके से, एंड दैट इज कॉल्ड फाइव स्टार. ऑलराइट, तो ही वॉज जनरल मानेक शॉ. ऑलराइट, तो ये सारे रैंक्स हैं, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं. देखिए ऐसे हाथ पे गिना देता हूं. आर्मी का सबसे पहला जो ऑफिसर होता है वो होता है लेफ्टिनेंट. इंडियन नेवी का जो सबसे पहला ऑफिसर होता है उसको कहते हैं सब लेफ्टिनेंट. दैट इज रैंक. रैंक पहले आता है उसके बाद नाम आएगा. ऑलराइट, तो सब लेफ्टिनेंट. उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग ऑफिसर कहते हैं उसे. दूसरा रैंक जो इंडियन आर्मी के अंदर है उसे कहते हैं कैप्टन. इंडियन नेवी के अंदर जो दूसरा रैंक है उसे कहते हैं आप लेफ्टिनेंट. एंड देन इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो दूसरा रैंक है उसे कहते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट. तीसरा रैंक जो है इंडियन आर्मी के अंदर उसे कहते हैं मेजर. ऑलराइट, देन इसमें जो है इंडियन नेवी के अंदर तीसरा रैंक जो है उसको कहते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर. एंड इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो तीसरा रैंक है उसको कहते हैं स्क्वाड्रन लीडर. स्क्वाड्रन लीडर मेजर के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए. देन फोर्थ रैंक इन इंडियन आर्मी इज व्हाट? इट इज कॉल्ड लेफ्टिनेंट कर्नल. देन इंडियन नेवी के अंदर जो होता है वो होता है कमांडर. और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स में जो होता है वो होता है विंग कमांडर. विंग कमांडर, जैसे विंग कमांडर अभिनंदन, आपको पता है कौन है वो. ऑलराइट, उसके आगे पांचवा रैंक पे चलते हैं. तो हाँ, पांचवा रैंक इज नथिंग बट कर्नल. ऑलराइट, यहीं पे इंडियन नेवी के अंदर जो होता है वो होता है कैप्टन, कैप्टन ऑफ द शिप. और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के अंदर उसको कहते हैं ग्रुप कैप्टन, जो कि ऑनररी सचिन तेंदुलकर को वो रैंक मिली हुई है. लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, उनको भी ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है. कपिल देव को भी मिल चुकी है. कपिल देव जो हमारे पूर्व कप्तान थे भारतीय क्रिकेट टीम के, और जिनकी अगुवाई में 1983 में पहली बार हमारा देश विश्व विजेता क्रिकेट का बना था. इसके बाद कर्नल के बाद जो सिक्स रैंक होती है इंडियन आर्मी के अंदर वो होती है ब्रिगेडियर. ऑलराइट, वही इंडियन नेवी में जो ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट होते हैं उनको बोलते हैं कोमोडोर. और ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट इंडियन एयरफोर्स में बोलते हैं क्या? एयर कोमोडोर. उसके बाद आगे चलते हैं तो मेजर जनरल इज इक्विवेलेंट टू रियर एडमिरल इन इंडियन नेवी एंड एयर वाइस मार्शल. एयर वाइस मार्शल इन इंडियन एयरफोर्स, देन इट इज कॉल्ड. नेक्स्ट वन इज लेफ्टिनेंट जनरल. लेफ्टिनेंट जनरल फिर उसके इक्विवेलेंट जो होते हैं वो उनको कहते हैं आप वाइस एडमिरल. और उसके बाद आपका एयर मार्शल होते हैं इंडियन एयरफोर्स में. और जो फाइनल रैंक होती है, जो लास्ट रैंक होती है, दैट इज जनरल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. एंड देयर आफ्टर इसमें जो है इंडियन नेवी के अंदर उनको कहते हैं एडमिरल, जो कि अभी करमबीर सिंह है. एंड देन द फाइनल वन इंडियन एयरफोर्स टच द स्काई विद ग्लोरी, जिसका की मोटो है, जिसका की वाक्य है, और वो है एयर चीफ मार्शल आर एस भदौरिया, राकेश कुमार राकेश सिंह भदौरिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, जीके में भी पूछे जाते हैं, और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए. काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट, क्योंकि हमारा मतलब ही यही है कि जो भी चीजें मैं बताता हूं उसको एक जगह स्थिर नहीं रखना है, बल्कि जितना ज्यादा फैला सकते हो, जितने ज्यादा डायनेमिक उसको बना सकते हो बना दो, ताकि मैक्सिमम लोग उसे जान सके, समझ सके, सीख सके कुछ भी, तो मेरा ये काम बहुत ज्यादा सार्थक समझूंगा मैं. अगर ये वीडियो पसंद आ गया आपको तो लाइक कर दीजिए. अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए.
सब्सक्रिप्शन का बटन दबाने के बाद डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कुंट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यही बार बार आपसे निवेदन करता हूं, इसको जो भी चीजें मैंने बताई है, जो भी चीजें मैंने पढ़ पढ़ के सुनाई है आपको, ये बहुत दिनों से मुझे याद है, सारे चीजें बहुत याद है, इनफैक्ट क्लास 12th से पहले से याद है, तो आपको भी याद होना चाहिए क्योंकि बहुत जगह ये चीजें काम आती हैं। ऑलराइट, तो कृपया करके इस चीज को दो बार तीन बार एक कॉपी में लिख लो, कॉलम बना के, आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा जैसे मैं आपके सामने बक रहा हूं, और आप भी बकेंगे, फिर बकेंगे इन द सेंस, थोड़ा ये अच्छा वर्ड नहीं यूज किया, मतलब कहेंगे, दूसरों को बताएंगे, और ये अच्छी बात है। नॉलेज जितना ज्यादा हो तो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, दूसरों के सामने में बोलने में कभी झिझकेंगे नहीं आप, कभी भी आपको इनहिबिशन फील नहीं होगा, हमेशा और हमेशा आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए आज के बस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करना मत भूलिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड लक एज ऑलवेज।